चोटिये पहाड़ी मारा है, आप कहीं नहीं मरा है। दारू पी के तो बहुत सब जगह बहुत आदमी मारा है, लेकिन सब जगह नोटिस नहीं गया है। लेकिन हम लोग के तरफ नोटिस क्यों चिपकाया गया है? सरकार को जो करना है अपना कार्रवाई कीजिएगा, जो दोषी है उनको कीजिए जो करना है। नालंदा जिले के सोराय थाना इलाके में बीते 15 जनवरी को जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अवैध रूप से रह रहे पहाड़ी क्षेत्र पर लोगों के घर के बाहर जिला प्रशासन ने जमीन मकान संबंधित कागजात पेश करने का अल्टीमेटम दिया था। वहीं पहाड़ी क्षेत्र पर रह रहे 1200 लोगों के घर के बाहर नोटिस देकर 2 फरवरी तक उन्हें जमीन मकान संबंधित कागजात अंचलाधिकारी के कार्यालय में दिखाने की बात कही गई है। इसी विरोध में हजारों की संख्या में माले कार्यकर्ता और मोहल्लेवासी छोटी पहाड़ी से हुजूम माले के बैनर तले पैदल मार्च करते हुए जिला प्रशासन और बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला समाहरणालय पहुँचे। आंदोलनकारियों ने एक सुर में कहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा हम लोगों का दमन और उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं पूरे नालंदा जिले में 3 सालों के बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। इस मामले में सदर एसडीओ कुमार अनुराग ने रैली में आए लोगों को संबोधन करते हुए बताया कि यह नोटिस सिर्फ इसीलिए चिपकाया गया है ताकि जो लोग अवैध कार्यों में लिप्त हैं उनकी पहचान उजागर हो सके। किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। अगर कोई बहला फुसला कर आपको यह बात बता रहा है तो उस पर आप ध्यान न दें। कुछ दिनों पहले छोटी पहाड़ी पे घटना हुई थी जिसमें शराब जहरीली शराब के कारण 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। जांच में यह पाया गया कि छोटी पहाड़ी में कई लोगों ने ऐसा वहां पे घर बना रखा है जो अवैध है और वहीं की इस तरह की कारोबार ये लोग कर रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं कि छोटी पहाड़ी सरकारी जमीन है और पहाड़ भी है, उसमें अब हम लोगों ने एक सर्वे चालू किया था जिससे ये चिन्हित हो सके कि कौन लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जिसके कारण हर घरों पे नोटिस लगाया गया। ये था, इसका सिर्फ एक पर्पज था कि घर चिन्हित हो सके कि वहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं और किस दस्तावेज या किस कागज या कब से रह रहे हैं। बस इसी का मुद्दा बनाकर कुछ लोगों को बहका रहे हैं कि घर तोड़ दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, घर तोड़ा नहीं जाएगा, घर के सारे दस्तावेज लिए जा रहे हैं। इससे ये चिन्हित हो सके जो लोग अतिक्रमण करके इस तरह के गैर कानूनी काम में संदिग्ध हैं, उन लोगों पे दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। जिनके पास कागजात नहीं है तो वो अपना कुछ भी प्रूफ देंगे या लिखित में देंगे कि वो कब से रह रहे हैं। अगर कोई कागज ही नहीं है तब तो वो गलत है। चिन्हित कर ले कि कौन इस तरह के कारोबार करते हैं, इस कारण बाकी लोगों को भी दिक्कतें होती है। गरीब लोग इसमें मारे जाते हैं, कमाने खाने वाले। इसलिए वहाँ पे नोटिस चिपकाया गया था ताकि जितने भी इस तरह के कारोबार करते हैं और गैर कानूनी काम करते हैं उनको चिन्हित करके नोटिस दिया जा चुके हैं। अब इस तरह से चिन्हित करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए सभी घरों में दिया गया है ताकि सब अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे। किसी का घर नहीं तोड़ा जा रहा है। कोई भी अगर आपको भला फुसला करके इस तरह से कर रहा है तो गलत कर रहा है। इसलिए आप लोग, हम लोग आज आए हैं अपना रैली में, अपना हक मांग रहे हैं रहने के लिए साधन। हम लोग को साधन नहीं है, कहीं नहीं। क्या हम लोग के घर में चिपकाया गया है नोटिस, एक साथ हम लोग क्या करें? हम लोग के तरफ तो न कोई मारा है सर, न कुछ हुआ है, लेकिन एक के साथ हम लोग को भी निर्दोष को भी साथ कर रहे हैं, अच्छा तो नहीं है। आयोग थोड़ा है कि खाली पहाड़ी पर छोटी पहाड़ी मारा है, आप कहीं नहीं मारा है। दारू पी के तो बहुत सब जगह बहुत आदमी मारा है, लेकिन सब जगह नोटिस नहीं गया है। लेकिन हम लोग के तरफ नोटिस क्यों चिपकाया गया है बताइए? आज हम लोग अपना हक मांग रहे हैं, घर रहने के लिए घर मांग। आए कलेक्टरिया ऑफिस, पूनम देवी उनके घर में नोटिस लगा दिए। सरकार को जो करना है अपना कार्रवाई कीजिएगा, जो दोषी उनको कीजिए जो करना है। हम लोग के घर में, हम लोग खाने कमाने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला है, हम लोग के घर में चिपका दिए, एक घर में चुन चुन कर लगा दिए। हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे? हम लोग के कुछ भी नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? हम लोग वही कहते हैं नोटिस वापस लीजिए। आज आप लोग यहाँ पे कहाँ पे आए हैं? कलेक्टरी कर रहे हैं। हाँ, नोटिस वापस लेने कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ गुड़िया देवी। नहीं 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 वापस लो, वापस लो। जा रही आप लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, ये सरासर गलत है। जो भी आपको इस तरह की बातें बोल रहा है बस वो अपना मतलब पूरा करने की कोशिश कर रहा है। किसी का घर तोड़ा